हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ओरिगामी स्लीव्स बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव्स का लुक बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न इस तरह से पेपर पर कट कर लेना है। और ये स्लीव्स का सेंटर है, इसकी लेंथ टोटल 5.5 रखिए। तो ये सेंटर पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये सेंटर के एक साइड पे हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और इसी तरह से इसकी दूसरे साइड भी हम 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद ये 2 इंच वाली मार्किंग को नीचे सेंटर से मिला देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग करनी है, मतलब 1.5 इंच। तो इस साइड पे 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसी तरह से इसकी दूसरी साइड भी 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब ये दोनों 1.5 इंच वाली मार्किंग को हम नीचे ज्वाइन कर देंगे सेंटर पर। इस तरह से हमें सारी मार्किंग को सेंटर पर ज्वाइन करते जाना है स्ट्रेट लाइन से। इसके बाद हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। तो लाइन के इस साइड 1 इंच पर मार्क करेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड भी 1 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब ये दोनों मार्किंग को भी हमें सेंटर की ओर मिला देना है स्ट्रेट लाइन से। तो इस तरह से पहले हमें 2-2 इंच पर मार्क कर लेना है और इसके बाद 1.5-1.5 इंच पर मार्क करेंगे और लास्ट में 1-1 इंच पर मार्क कर लेना है, मतलब 0.5 इंच का डिफरेंस छोड़ते हुए हमें ये सारी मार्किंग करनी है। अब हमें ये लाइन को कट कर लेना है। हमें सेंटर वाली लाइन को कट नहीं करना है, बाकी सारी लाइन को कट कर लेंगे। और हमें पूरा कट नहीं करना है, थोड़ा सा छोड़ते हुए कट करेंगे जिससे पेपर अलग अलग ना हो। तो इस तरह से हमने सेंटर वाली लाइन को छोड़कर बाकी सारी लाइन को कट कर लिया है। अब इसे फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। तो मैंने ये फैब्रिक डबल फोल्ड में रखा है और स्लीव्स के दोनों साइड हमने 1.5 इंच का गैप रखा है और स्लीव के नीचे से 2 इंच का रखा है। तो इस तरह से आपको एक स्लीव्स के लिए इतने फैब्रिक की जरूरत रहेगी, क्योंकि ओरिगामी स्लीव्स में थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक लगता है। तो अब हम फैब्रिक को ओपन कर देंगे और स्लीव्स को इस तरह से 2.5 इंच के गैप पर रखना है और सेंटर पर पिन लगा देंगे। इसके बाद हमें सारे पैनल को फैलाते हुए मार्क करना है। तो ये 1.5 वाले पैनल को हमें 3 इंच के गैप पर रखना है। इस तरह से हमें ये पैनल को 3 इंच तक फैलाना है और इसे पिन से सेट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड वाले पैनल को भी 3 इंच तक फैलाना है और 3 इंच पर मार्क करके इसे पिन से अटैच कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा 1 इंच का पैनल है उसे भी हमें 3 इंच के गैप पर रखना है और इसे पिन से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड वाले पैनल को भी 3 इंच के गैप पर रखना है। तो ये चारों पैनल्स में हमें 3-3 इंच का गैप रखना है और ये साइड के जो 2 पैनल्स हैं इनमें हम 2 इंच का गैप रखेंगे। तो इस तरह से 2 इंच पर मार्क करके इसे पिन से सेट कर लेंगे और दूसरे साइड वाले पैनल को भी हम 2 इंच तक फैलाएंगे। तो इस तरह से सारे पैनल्स को पिन से सेट कर लेना है। अब इसमें मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स का जैसा भी शेप बनेगा उस पर हमें एज इट इज़ मार्किंग करनी है। इस तरह से ऊपर साइड से हमें एज इट इज़ मार्क कर देना है। इसके बाद ये मार्किंग में हमें 0.5 इंच का मार्जिन ऐड करना है स्टिचिंग के लिए। साइड से भी एज इट इज़ मार्क करना है और इसी तरह से हमें ये सारे पैनल को मिलाते हुए लाइन बनानी है। तो इसमें हमने सिर्फ स्लीव्स के ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन लिया है, बाकी पूरा एज इट इज़ मार्क करना है। अब ये जितने भी पैनल्स हैं वहाँ पे मार्क कर लेना है नीचे साइड पर। इसके बाद ऊपर की तरफ भी मार्क करेंगे, जहाँ हमने पैनल के कट लगाए हैं वहाँ इस तरह से निशान बनाएंगे और सेंटर में भी मार्क करना है। तो ये सारी मार्किंग कम्प्लीट हो गई है, अब इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते टाइम हमें 2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए कट करना है और बाकी ऊपर के साइड एज इट इज कट करना है। तो इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है और यहाँ देखिए हमने 2-2 इंच का गैप रखा है। तो आप भी 1.5 से 2 इंच तक गैप ले सकते हो। अब हम ये पेपर कटिंग को हटा देंगे। तो ये हमारी सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन के साइड में जो हमने पॉइंट्स लगाए थे, ये दोनों पॉइंट्स को हमें पकड़ना है और इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे। तो हमें सिर्फ नीचे वाले निशान को सेंटर से मिलाते हुए प्लेट्स बनानी है और इस तरह से ऊपर वाले मार्किंग से हमें क्रॉस में लेते हुए ये प्लेट्स बनाएंगे। अब ये प्लेट को पिन से सेट कर लेंगे।
इसी तरह से जो दूसरे साइड वाला मार्क है उसे भी हमें नीचे वाले मार्क और ऊपर वाले मार्क को पकड़कर वैसे ही प्लेट्स बनाएंगे और हमें ये सारी प्लेट्स सेंटर में बनाते जाना है। इस तरह से नीचे की लाइन से मिलाते हुए क्रॉस में प्लेट्स बनाएंगे। ध्यान रखें कि लाइन ऊपर नीचे ना हो। इस तरह से प्लेट्स बनाने के बाद पिन से इसे सेट कर लेंगे तो दोनों प्लेट्स बन गई हैं। अब यहाँ पर भी ऊपर और नीचे वाले मार्क को पकड़ेंगे और सेंटर से मिलाते हुए क्रॉस में प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से लाइन को मिलाते हुए इसे भी पिन से सेट कर लेंगे और इसके दूसरे साइड वाले मार्क को भी सेंटर में मिलाते हुए प्लेट्स बना लेना है और इसे भी पिन से सेट कर लेंगे। अब दोनों साइड की लास्ट मार्किंग बची है तो ये साइड वाले मार्किंग को भी सेंटर में मिलाते हुए प्लेट्स बनाएंगे। ये लास्ट वाली मार्किंग है तो इसके ऊपर वाले मार्क को पकड़ना इतना जरूरी नहीं है, बस नीचे वाले मार्क को पकड़कर सेंटर में मिलाकर क्रॉस में प्लेट्स बना लेना है। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड वाले मार्क को भी सेंटर में मिलाकर प्लेट्स बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी सारी प्लेट्स बन गई है। अब इसमें मैं हल्का सा प्रेस कर दूंगी। अब इसके बाद हम प्लेट्स में स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें प्लेट्स के सेंटर में स्टिचिंग लगा लेनी है और सारे पिंस को निकालकर नीचे से आधा इंच छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो इसके बाद स्लीव राउंड में हम पट्टी अटैच करेंगे। तो मैंने ये गोल्डन पट्टी ली है और इसकी विड्थ 2 इंच है। स्टिचिंग करने के लिए हमें इस तरह से स्लीव्स को पट्टी के ऊपर रखना है और स्टिचिंग लगा लेनी है और हमारे जो मार्किंग है उसी पर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हमें छोटे छोटे कट लगा लेना है। अब पट्टी को बाहर साइड निकाल कर इसे स्लीव्स के ऊपर साइड में डबल फोल्ड कर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें डबल फोल्ड करना है और स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगा ली है। अब इसमें मैं लाइट ब्लू कलर की लेस अटैच कर रही हूँ जिससे लुक बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से लेस अटैच कर लेंगे और लेस के दूसरे साइड भी स्टिच लगा लेंगे। स्लीव्स कंप्लीट हो गई है और सेम इसी तरीके से आपको दूसरी स्लीव्स भी बना लेनी है। अब इसे ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ये ब्लाउज का बैक नेक है। अगर आपको ये डिजाइनर बोटनेक ब्लाउज का फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। स्लीव्स के सेंटर को हमें शोल्डर के सेंटर से मिलाना है और स्टिच लगा लेनी है। इसी तरह से स्लीव्स के दूसरे साइड भी स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब इसमें मेन फिटिंग लगा लेनी है। तो आपको ओरिगामी स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी गाइस, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।